नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोई भी छात्र अब सिर्फ भाषा की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें अपनी मातृभाषा में किसी भी पसंदीदा कोर्स में आगे की पढ़ाई का पूरा मौका मिलेगा। इंजीनियरिंग के बाद सरकार की कोशिश उच्च शिक्षा से जुड़े ऐसे सभी कोर्स में भाषा की उस दीवार को तोड़ने की है, जिसके लिए अभी अच्छी अंग्रेजी को जानना जरूरी है। यही वजह है कि नर्सिंग मैनेजमेंट सहित सभी कोर्स की पढ़ाई अब अंग्रेजी के साथ साथ उन सभी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी कराने की है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में अभी स्कूली शिक्षा दी जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया और चरखा कताई में हाथ आजमाया। महात्मा गांधी के आश्रम की आगंतुक पुस्तिका में बोरिस जॉनसन ने एक नोट में उन्होंने लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना और ये समझना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उसने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सत्य और अहिंसा के एक ऐसे सरल सिद्धांतों को कैसे संगठित किया। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम के एक बुनकर ने अनूठी राम भक्ति प्रदर्शित की है। बुनकर जुजारू नागराजु ने 60 मीटर लंबी और 44 इंच चौड़ी सिल्क की साड़ी तैयार की है। इस पर उसने 13 भाषाओं में जय श्री राम लिखा है। नागराजु ने रेशम की इस साड़ी को तैयार करने के लिए उस पर 32,200 बार जय श्री राम लिखा है। इसमें देश में लाखों राम भक्त अपने अपने तरीके से प्रभु की उपासना करते हैं। राम नाम स्मरण और राम नाम पुस्तिका के जरिए कई लोग नित्य प्रति ईश्वर का ध्यान करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुरु तेग बहादुर के बलिदान से अभिभूत ना हो। सबके मन में गुरु तेग बहादुर के प्रति अनन्य भाव है। अमित शाह ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने घोषणा की है कि वो अब तंबाकू से जुड़े ब्रांड विमल इलायची के लिए विज्ञापन नहीं करेंगे। अपने फैन से कड़ी आलोचनाओं का सामना करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए लोगों से माफी भी मांगी है। अक्षय कुमार हाल ही में फिल्म अभिनेता अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ विमल इलायची से जुड़े उत्पाद के विज्ञापन में नजर आए थे, जिसके बाद उनके फैंस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी आलोचना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज रात करीब 9:15 पर नई दिल्ली के लाल किला से गुरु तेग बहादुर के 400 प्रकाश पर्व के समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे और एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चे शब्द कीर्तन में भाग लेंगे। देश में कोविड 19 महामारी की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि 15 से 18 आयु वर्ग के 55% ज्यादा युवाओं का संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण पूरा हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 5,79,70,064 युवाओं को पहली कोविड 19 की खुराक दी गई है। वहीं 4,07,45,861 को टीके की दोनों खुराक लग गई है। मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा है कि यंग इंडिया द्वारा एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान शेयर के लिए आवेदन और आवंटन को लेकर के यूपीआई के जरिए शुल्क भुगतान व्यवस्था को दुरुस्त बनाना है। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से प्रमाणित बैंकों के समूह की तरफ से अनब्लॉक सभी ASBA आवेदन के आंकड़े प्राप्त करने को लेकर के नया रिपोर्टिंग प्रारूप निर्धारित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और यूक्रेन से राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ने 18 अप्रैल दिन सोमवार को इस आशय के में बयान जारी किया था। रूसियों का कहना है कि यही उनकी असली लड़ाई है और इसी के लिए उन्होंने यूक्रेन में अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था। बाकायदा कानून बनाकर यूक्रेन में रूसी भाषा को सरकारी दायरे से बाहर किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की अपनी यात्रा के दौरान कई वाणिज्यिक समझौते का ऐलान करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में नए युग की शुरुआत करेंगे। ब्रिटेन के उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को बताया कि ब्रिटेन और भारतीय कारोबार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र तक 1 अरब पाउंड के नए निवेश और निर्यात समझौते की पुष्टि करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं और गुरुवार सुबह 8:30 ब्रिटिश प्रधानमंत्री सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह भाई पटेल ने हवाई अड्डे पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अब से कुछ देर पहले ही बोरिस जॉनसन साबरमती आश्रम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने चरखा चलाकर सूत को भी काटा। इसके अलावा महात्मा गांधी के शिष्य बने ब्रिटिश एडमिरल की बेटी मेडलिन स्लेड या मीराबाई की आत्मकथा साबरमती आश्रम द्वारा यूके के पीएम बोरिस जॉनसन को उपहार में दी गई।
एयर इंडिया के एम्प्लॉयज की किस्मत बदलने जा रही है, कभी उनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था, अब वो कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया अपने एम्प्लॉयज को ई सॉप्स देने जा रहे हैं। सरकार ने पिछले साल एयर इंडिया को बेच दिया था। टाटा समूह ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीदा था, अब ये टाटा समूह का हिस्सा बन गई है। भारत और अमेरिका के संबंधों के 75 साल पूरे होने पर दिग्गज भारतीय प्रवासियों की तरफ से समारोह का आयोजन किया गया था, इसमें अमेरिका प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर भारत में अमेरिकी मिशन दिल्ली में दूतावास और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास की तरफ से वीडियो संदेश जारी किया गया, इसमें भारत अमेरिका संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। यूक्रेन की सरकार पूरी तरह से पश्चिमी देश के नियंत्रण में है और यूक्रेन एक स्वतंत्र देश की बजाय उपग्रह राज्य की तरफ काम कर रहा है। इस बात को यूक्रेन के एक पूर्व अधिकारी ने रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक से कही है। ये अधिकारी रूस द्वारा यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद एक यूरोपीय देश में चले गए। ब्रिटिश मूल के कंपनी जेसीबी आज भारत में अपना छठा प्लांट शुरू करने जा रही है। ये प्लांट गुजरात के हलोल में तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि जेसीबी प्लांट का उद्घाटन खुद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन करने जा रहे हैं। गाड़ियों के मामले में बिहार भी अब करोड़पति की श्रेणी में आ गया है। इस साल की बिक्री के बाद राज्य में निबंधित गाड़ियों की संख्या 1.02 करोड़ हो गई है। वहीं देश में कुल निबंधित गाड़ियों की संख्या 28,64,00,000 से अधिक है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट का संतुलन बिगाड़ दिया है, जबकि दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ यूरोप और कुछ अफ्रीकी देशों में कम बारिश के चलते कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे वैश्विक बाजार में महंगाई बढ़ी है। खाद्यान्न की सप्लाई में व्यवधान पैदा होने से वैश्विक स्तर पर हाहाकार मचा हुआ है। इन सारी स्थितियों के विपरीत भारत के कृषि क्षेत्र में बंपर उत्पादन हुआ है। दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने खुद सभी जिला के डीएम और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने और अस्पताल में बेहतर इंतजाम रखने का निर्देश दिया है। ऐसी आशंका है कि कोरोना की चौथी लहर में बच्चों को विशेष परेशानी हो सकती है। इस आशंका के बीच बिहार के अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। चीन और सोलोमन द्वीप के बीच प्रस्तावित सुरक्षा ढांचे को लेकर अमेरिका समेत ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड ने चिंता जताई है। इसे स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार इस संबंध में चारों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक बैठक 18 अप्रैल को बुलाई गई थी। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के सहयोग से 21 अप्रैल 2022 को नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये रोजगार मेला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 700 से भी ज्यादा अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ये एक दिवसीय मेला है जिसमें 1,00,000 से अधिक उम्मीदवारों को काम मिलेगा। भारत सही मानकों और गुणवत्ता वाले विनिर्माण के जरिए टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के मामले में 20,300 करोड़ रुपए के निर्यात के अवसर को हासिल कर सकता है। भारत को TGSP की 95.1 करोड़ इकाइयों के निर्यात का मौका मिल सकता है। इंडिया सर्कुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने बुधवार को जारी किए गए अपने रिपोर्ट में बिल्डिंग ए लार्ज टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर्स इंडस्ट्री इन इंडिया में यह दावा किया है। कांग्रेस में असंतुष्टों का समूह जीते। इस राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ 2024 के आम चुनाव के रोडमैप के रूप में दिए गए प्रस्तावों पर चल रही चर्चा से नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि समूह में सलाह नहीं ली गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया था। वेस्टइंडीज के सीमित ओवरों के कप्तान किरण पोलार्ड ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और सबको चौंका दिया। हालांकि पोलार्ड दुनिया भर में निजी T20 और T10 लीग खेलते रहेंगे। 34 वर्षीय पोलार्ड ने पब्लिक स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर भी अपने संन्यास की घोषणा की। वहीं अब फैंस के साथ तमाम क्रिकेटर्स भी किरण पोलार्ड के नए सफर के लिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना निवासी हसमुख रंजन ने वैश्विक स्तर पर आईटी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हसमुख रंजन कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली दुनिया के दिग्गज कंपनी AMD के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। भूटान में भारत से सटी सीमा इलाके में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इसका प्रकोप भूटान की भारत सीमा पर स्थित एक पिग फार्म में देखने को मिलेगा। भारत दुनिया का सस्ता दवाखाना बनने जा रहा है और इसका सीधा फायदा देश के फार्मा निर्यात को होगा। साल 2030 तक फार्मा निर्यात में हर साल कम से कम 5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक गत वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का फार्मा निर्यात 24.47 अरब डॉलर का रहा, जो साल 2030 तक 70 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मदद के लिए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से बड़े स्तर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों
को लाभ मिल रहा है। योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार देश में अब तक स्कीम के तहत करीब 27.28 करोड़ ई श्रम कार्ड इश्यू हो चुके हैं। पुष्पा और ट्रिपल आर के बाद यहां यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है, तो वहीं विजय की फिल्म बीस्ट डॉग का तो बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस इसका बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे थे, लेकिन बीते हफ्ते रिलीज होने के बाद ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आ रही है। टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित होने वाले इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में 8वें संस्करण का आज मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मेंस आर्ट्स में आगाज हो गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टाइम्स ग्रुप में एमडी विनीत जैन, टाइम्स नेटवर्क के एमडी और सीईओ एमके आनंद और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन के साथ द्वीप प्रज्वलन करके कॉन्क्लेव की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण है। बता दें कि पीएम गतिशक्ति योजना का उद्देश्य देश भर में मल्टी नोडल कनेक्टिविटी और लास्ट मील कनेक्टिविटी में सुधार करना है। 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजना को पूरा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और संचार की आवश्यकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिन्नत आलम, अविनाश कुमार, अजीत कुमार, राजी अहमद, नेहा सिंह, अभिनव, मनीष कुमार, मोहम्मद आजाद, रुपेश कुमार, मोहम्मद अजमेर, राजीव झा, प्रीति कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल में अब तक के मुकाबलों को देखकर कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।